हेलो दोस्तों, आरुस लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा फीड करने के बाद उल्टी कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है और उल्टी होने के क्या क्या रीज़न होते हैं, हम इसको घरेलू उपचार के थ्रू कैसे सही कर सकते हैं और हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, और जो ये वॉमिटिंग वाली जो प्रॉब्लम है ये आम होती है, मतलब कॉमन होती है, ज़्यादातर सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। यह एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, इसीलिए हमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, यह समय के साथ साथ ठीक हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बस यही बताऊँगी कि क्या प्रकार है, क्या रीज़न है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उल्टी के प्रकार की बात करेंगे। स्पिट अप और वॉमिटिंग दो चीज़ होती हैं, इनमें डिफरेंस होता है। जब ये भी बहुत छोटा होता है तो वो जब भी दूध पीता है थोड़ा बहुत दूध तो वो बाहर निकाल देता है, इसको हम स्पिट अप कहते हैं। हम इसको उल्टी नहीं कहेंगे क्योंकि छोटा बच्चा होता है मतलब इतने अच्छे से नहीं जानता कि हम दूध पिलाएं तुरंत हम उसे अंदर ले लें। बच्चा को हम कभी कभी थोड़ा ज़्यादा दूध भी पिला देते हैं तो उसका आइडिया नहीं होता, तो वो दूध निकाल देता है अक्सर करके, तो उसको हम वॉमिटिंग नहीं कहेंगे, उसको हम स्पिट अप कहेंगे। और अगर बच्चा जब सॉलिड लेना शुरू करता है तो जब उसके मुंह में से फोर्सफुली वॉमिटिंग जब निकलती है तो वो और उसके साथ साथ जो सॉलिड पार्टिकल बाहर निकल के आ जाते हैं, बस इसी को हम उल्टी कहते हैं। अब हम इसके रीज़न की बात बारे में बात करेंगे कि क्या रीज़न है जिससे बच्चा उल्टी करता है। तो बहुत से रीज़न होते हैं, पेट की प्रॉब्लम की वजह से हमेशा उल्टी नहीं आती, ऐसा नहीं है कि बच्चे का पेट सही नहीं है उसी कारण से उल्टी आ रही है। तो हम इसके रीज़न की बात करेंगे। मिल्क या फूड से एलर्जी, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो दूध ले रहा है उससे उसे एलर्जी हो सकती है, या जो अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है अगर वो कोई सॉलिड फूड ले रहा है तो उससे एलर्जी के कारण भी हमें उल्टी हो सकती है। बच्चे को जब फार्मूला मिल्क से उल्टी हो जाती है तो उसे वह मिल्क नहीं देना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चा होता है वो मदर फीड लेने के बाद भी उसे उल्टी हो जाती है, तो डॉक्टर यही एडवाइस देते हैं कि बच्चे को माँ का दूध ना दिया जाए। या ऐसा हो जाता है कि अगर माँ ने कुछ ऐसा खाया है फिर माँ से फीड करने के बाद बच्चे ने उल्टी कर ली तो वह खाना उसके लिए एलर्जी वाला खाना है, उसे वह नहीं पसंद आ रहा, उससे एलर्जी है तो बच्चा फिर भी उल्टी कर देता है। जल्दी और ज़्यादा खाना, अगर बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा दूध पिला दिया जाए तो उल्टी होने लग जाती है। छोटे बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार जरूर दिलवाएं। डकार लेने का तरीका ये होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है जब हम उसे दूध पिलाते हैं तो उसको बच्चे को कंधे पर रख कर पीठ को हल्का हल्का सा सहलाएं, और जब तक उसे डकार ना आ जाए, जब तक बच्चे को ना लेटाएं, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादातर उल्टी करता ही है तो उसको डकार दिलाना ज़रूरी होता है। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम के कारण बच्चे के गले में बलगम जम जाता है, उससे क्या होता है कि बच्चे के पेट में जलन होती है और उससे बच्चे उल्टी करते हैं। सर्दी जुकाम के कारण जो ये बलगम जम जाती है इससे अब बड़े बड़े लोगों को भी उल्टी हो जाती है। बलगम होता है तो उससे थोड़ा सा इरिटेशन सा होता है तो उससे उल्टियाँ हो जाती है। पेट में इन्फेक्शन, अगर बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो तो बच्चा उससे भी उल्टी कर देता है। अब हम बात करेंगे उल्टी को हम कौन कौन से उपाय से हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को कम खिलाएं। बच्चों को बार बार उल्टी हो रही है तो उसे फीडिंग मिल्क के साथ कुछ और खाने को ना दें, और हम उसे कम मात्रा में दूध पिलाएं। इकट्ठा दूध पिलाने के बजाय हमें ये करना चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा दूध थोड़े थोड़े अंतराल पर हम पिलाएं। अगर बड़ा बच्चा है तो उसको खाने का भी टाइम बढ़ा दीजिए, उसे कम खाने को दीजिए और थोड़ा टाइम बाद दीजिए। डकार जरूर दिलवाएं। छोटे बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा अगर ऐसे ही सीधा लेट जाएगा तो उसका खाना, उसका जो दूध है वह नहीं पच पाएगा और वह बाकी सब मुंह से निकाल देगा। और हमेशा ये ध्यान रखें कि बच्चे का जो सिर हो वह जब दूध पिलाते टाइम भी उसका सिर ऊपर साइड में होना चाहिए, अगर उसका सिर नीचे होगा तो वैसे ही वॉमिटिंग हो जाएगी। सही स्थिति में खिलाएं। खाना खिलाते समय बच्चों को अपने घुटनों पर रखकर ना हिलाएं, क्योंकि खाने को पेट में अंदर सही पोजीशन में आने में थोड़ा सा समय लगता है। इसके साथ ही खाना खिलाने के बाद बच्चे को आधा घंटा तक सीधा ही रखें, उसको नहीं लटाएं। जैसे हम जैसे हमने बच्चे को खाना खिलाया और ऐसे ही हमने उसे लटा दिया तो उसका खाना नहीं पच पाया तो वो वॉमिटिंग कर देता है,
तो बस अगर बच्चा बैठने लायक है तो हमें ये करना चाहिए कि बच्चे को बैठालना चाहिए। अगर बच्चा लेट, अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेट सकता है, तो हम उसे कंधे पर आराम से उसे हम गोदी में ले सकते हैं। कंधे पर सिर रखकर धीरे धीरे सहलाकर उसको हम डकार दिलवाएंगे तो उसका दूध पच जाएगा और बच्चा वॉमिटिंग नहीं करेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलेगा। आप हमारे चैनल का बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो वीडियो लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।